हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। तो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है। हाँ दोस्तों, एक दिन पहले ही, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर लॉस है तो एग्जिट कर सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यस बैंक के बारे में, क्योंकि दोस्तों इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। अब हमें क्या करना चाहिए इसमें? तो देखिए दोस्तों, अभी जो येस बैंक का करेंट प्राइस चल रहा है, मार्केट ओपन है अभी, 110 पे चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं पहले वाले वीडियो के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि कौन से शेयर खरीदने से आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में यही बताया जाता है कि कौन सा शेयर में आपको प्रॉफिट होने वाला है एक दिन पहले ही। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा वीडियो है, मैंने इसको अपलोड किया था 17 जून को, यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। अगर दोस्तों आप लोगों को डेट पता है तो NSE के वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस आप ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला। अब आपको प्रॉफिट देने वाली है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए। बहुत ज़्यादा गिरावट देखे गए थे, लोएस्ट 39 तक गया था, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ये जो है अब आपको प्रॉफिट देने वाली है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए। इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और दोस्तों देखिए, हमारा टारगेट एक दिन में भी अचीव हो सकता है या उसके लिए एक सप्ताह भी लगता है। तो दोस्तों, ये शेयर आप देख लीजिए, इसमें आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, मैंने 3 से 4 बार रिपीट किया है, इसमें आपको प्रॉफिट होने वाला है, आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यही है हमारा यूट्यूब चैनल की खासियत, क्योंकि इसमें आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और एक बात देखिए, यहाँ पर आप जो है ये डेट भी देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको प्राइस दिख रहा है, 444 दिख रहा है, आज के डेट में देखते हैं इसका प्राइस क्या है। तो देखिए दोस्तों, आज का जो इसका करेंट प्राइस चल रहा है, यहाँ पर देखिए 453 रुपीज़ चल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों, आज का जो हाईएस्ट बनाया है वो भी देख सकते हैं, 455। मतलब कि दोस्तों, इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो यही है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल का खासियत, आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाएगा कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है। और देखिए दोस्तों, इसका शेयर का प्राइस जो है, ये और भी आगे फ्यूचर में इंक्रीज़ होगा, अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो। सही समय पर आपको बाय करना है और होल्ड करना है। अब मैं दोस्तों इसको आपको ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहूँगा और कुछ बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, इसके बाद मैं बताने वाला हूँ येस बैंक के बारे में भी, उसमें भी आपको एक परफेक्ट व्यू दूंगा। ऐसा बात नहीं है कि मैं आपको उसमें फंसाऊँगा, जैसे कि ये बढ़ेगा ये घटेगा। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ दोस्तों, निकलना है तो एग्ज़िट हो जाइए, नहीं तो अभी होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको अभी पहले बताता हूँ ग्राफ के माध्यम से। ग्राफ ओपन हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये जो देखिए अभी फिर 54 पे आ चुका है, ये मतलब अभी दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो देखिए दोस्तों, इसका जो प्राइस है अभी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर इसका वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी अभी अच्छा खासा ये निकल रहा है। अभी इसमें और भी तेज़ी देखी जा सकती है, लेकिन हाँ दोस्तों, आपको होल्ड रखना पड़ेगा। होल्ड का मतलब है दोस्तों, आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हमारे यहाँ से दो ही कॉल जाती है, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। हमारे यहाँ से जो भी सर्विस जाती है, दो ही टाइप की जाती है दोस्तों। क्योंकि वॉरेन बफेट ने भी साफ साफ बोला है, जो इंसान आज पेड़ लगाएगा तभी तो 10 साल बाद जाकर उसके छाए में बैठेगा। इसीलिए दोस्तों, हम लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ही काम करते हैं। तो आइए चलिए अब बात करते हैं येस बैंक के बारे में। देखिए दोस्तों, ये रहा येस बैंक। पहले तो मैं बता देता हूँ, मैं अभी 2 से 3 दिन हो गया दोस्तों, मैंने वीडियो नहीं बनाया और कोई भी वीडियो अपलोड नहीं मारा। क्योंकि दोस्तों, उसके पीछे भी कोई वजह थी, और वो क्या वजह थी मैं आपको बताता हूं। और हाँ दोस्तों, और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, देखिए KEI इंडस्ट्री के बारे में दोस्तों, मैंने 2 वीडियो अपलोड मारा था। इसलिए अपलोड मारा था 2 वीडियो, क्योंकि ये वीडियो जो है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। मान लीजिए आपने एक वीडियो नहीं देखा तो दूसरा देखे। देखिए दोस्तों, मेरा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, अगर आप नहीं लेंगे इन्फॉर्मेशन तो वो मेरी गलती नहीं है। तो चलिए अब जो है येस बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं, वो भी बहुत स्ट्रांग तरीके से। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये वीडियो बनाया था, देखिए कुछ दिन पहले बनाया था, और इसमें मैंने बताया था इसका जो मेरा टारगेट है 90 रुपीज़ दोस्तों। ये इसमें मैंने बताया था कि इनके जो ब्रोकर्स हैं, उन्होंने बताया था कि इसका प्राइस और गिरने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ ये देखिए दोस्तों, मैंने वीडियो बनाया था और इसमें आपको पहले बता दिया था कि मेरा जो टारगेट है दोस्तों, येस बैंक में 100 रुपीज़ होने वाला है। तो इस वीडियो से दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता था एक दिन पहले ही कि दोस्तों, इसका प्राइस गिरने वाला है, आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि कहाँ पर था।
तो देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको डेट दिखाता हूँ। देखिए 12 जून दोस्तों, 12 जून को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था और मैंने बताया था कि येस बैंक का जो प्राइस है 100 रुपीज़ होने वाला है। जिनके पास भी येस बैंक का शेयर है इनको सेल कर दीजिए, होल्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ तक कि दोस्तों मुझे ये भी पता था, जब येस बैंक का प्राइस 200 अबव चल रहा था, मतलब 230 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, तभी दोस्तों मुझे पता था कि येस बैंक का प्राइस गिरेगा और बहुत ही घटिया तरीके से गिरेगा, बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा। और दोस्तों उसके लिए भी मैं आज प्रूफ देने वाला हूँ कि मुझे पता था कि येस बैंक का प्राइस गिरने वाला है कब से, जब इसका प्राइस 230 रुपीज़ पर चल रहा था तब। आज मैं दोस्तों सारे जितने भी येस बैंक का वीडियो मैं बनाया हूँ, सारे येस बैंक का वीडियो मैं आज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ, आप वहाँ से देखिएगा, प्लीज़ चेक कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है। और हाँ दोस्तों, जो लोग सोच रहे हैं अभी येस बैंक के बारे में, मैं बोल सकता हूँ दोस्तों एक ही बात मैं बोलूँगा, ना ही टेक्निकली ना ही फंडामेंटली। क्योंकि दोस्तों टेक्निकल और फंडामेंटल दोस्तों आजकल यूज़ किया जा रहा है बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। हाँ दोस्तों, बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। दोस्तों मैं बस येस बैंक के बारे में इतना ही बोलूँगा, येस बैंक का मैनेजमेंट सही नहीं है। मतलब कि दोस्तों जो अपने कंपनी को ही नहीं संभाल पाएंगे वो दूसरों को क्या संभालेंगे। दोस्तों जब येस बैंक खुद को आगे बढ़ाएगी तब जाकर वो आपको प्रॉफिट देगी, लेकिन दोस्तों येस बैंक के अंदर ही इतना झमेला चल रहा है, वो लोग अपने में निपट नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, येस बैंक, PC ज्वेलरी, DHFL, RCOM जैसे शेयर से आप दूर रहिए। और हाँ दोस्तों, मैं हर वीडियो में ये सब का नाम लेता हूँ और आपका बताना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा काम है आपको बताना, पहले इन्फॉर्मेशन देना। तो देखिए दोस्तों, आज मैं सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों मुझे पता था जब इसका प्राइस 230 में चल रहा था तभी इसका प्राइस बहुत तेज़ी से गिरने वाला है। और दोस्तों मैंने एक भी वीडियो में नहीं बताया है येस बैंक का। दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है और एक भी वीडियो में मैंने नहीं बताया है कि जो है आपको येस बैंक का शेयर खरीदना चाहिए। मैंने बार बार आपको बस यही बोला कि येस बैंक का शेयर सेल कर दीजिए। अभी भी अगर कोई येस बैंक में फंसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, मैं आपका पक्का हेल्प करूंगा। और हाँ दोस्तों, आपका अगर आपको किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा बस नंबर ही रहता है और कुछ भी नहीं रहता दोस्तों, क्योंकि मैं ना ही आपको फेसबुक, ट्विटर जैसे, इंस्टाग्राम जैसे कोई भी लिंक नहीं देता हूँ जहाँ जो कि आप मुझे वहाँ पर आइए और मुझे फॉलो कीजिए। मैं दोस्तों आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, डायरेक्ट आपका हेल्प करना चाहता हूँ। और हाँ दोस्तों, मेरे यहाँ से सर्विस भी जाती है, आप बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों, बहुत ही चीप है दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ देख लीजिए, 100 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिया गया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर ही लोगों का जो है पैसा जो है डबल हो चुका है। अगर आप किसी भी वीडियो में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं येस बैंक में तो यही बोलूँगा, आप ऐसे घटिया बैंक में तो निवेश मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। शेयर मार्केट में और भी बहुत सारे शेयर्स हैं जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं सही तरीके से, और सही जगह पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो दोस्तों प्लीज़ हमको कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई भी हेल्प चाहिए तो। ठीक है दोस्तों, मैं यही वीडियो के साथ समाप्त करता हूँ यहाँ पर। आप समाप्त करने से पहले मैं दोस्तों कुछ आपको बता देना चाहता हूँ, ये देखिए येस बैंक में थोड़ी बहुत तेज़ी दिख रही है, यहाँ पर देखिए 1.24% का या 19% का ये जो अप डाउन हो रहा है, ये जो थोड़ी बहुत तेज़ी दिख रही है दोस्तों, मैं अभी भी आपको बोलूँगा प्लीज़ निवेश ना करें इसमें जब तक ये स्टॉक स्टेबल नहीं हो जाता। और पहली बात तो दोस्तों, इस स्टॉक ने 10 साल में कभी किसी को प्रॉफिट नहीं दिया। कल को अगर येस बैंक 200 पर भी चला जाता है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि प्लीज़ आप मंथ निवेश कीजिए ऐसे स्टॉक में जो आपको कभी प्रॉफिट नहीं देगा। और हाँ दोस्तों, आने वाले में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको प्रॉफिट देने वाला है, उसमें आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपको यही बताया जाता है कि कौन सा शेयर्स में आपको प्रॉफिट हो सकता है एक दिन पहले ही। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम सब्सक्राइबर के लिए नहीं मरते हैं, हम इन्फॉर्मेशन देने के लिए करते हैं। आपको अगर इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप हमारे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं।